हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाली भाजपा ने देश की सुरक्षा को उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया। हार्दिक पटेल। राफेल डील के सामने आए नए खुलासे के बाद अब भाजपा के सामने नई मुसीबत खड़ी होती जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राफेल घोटाले को लेकर बीजेपी की पूरे देश में आलोचना हो रही है। राफेल समझौते पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के बयान के बाद अब भाजपा के देशभक्ति सवाल उठ रहे हैं और यह सवाल पाटीदार नेता हार्दिक पटेल उठा रहे हैं। गुजरात के पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने ट्विटर के जरिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटती है उसी ने देश की सुरक्षा को उद्योगपति के हाथों बेच दिया है। पटेल ने यह भी सवाल उठाया कि सामाजिक न्याय और किसानों के लिए आंदोलन करने पर मुझे देशद्रोही कहने वाले अब देश की सुरक्षा और सुरक्षा के नाम पर घोटाला कर रहे तो वो देशद्रोही हुए या नहीं। बता दें कि हाल ही में ही फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने मीडिया पार्ट से इंटरव्यू में कहा कि भारत सरकार ने जिस सर्विस ग्रुप का नाम दिया उसमें डसॉल्ट ने बातचीत की। भारत सरकार ने उन्हें अनिल अंबानी की रिलायंस का नाम सुझाया था और तब डसॉल्ट ने अनिल अंबानी से संपर्क किया। उन्होंने कहा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हमें जो विकल्प दिया क्या हमने उसे स्वीकार किया है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।